हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल इंडिया के बारे में। देखिए, हालिया में 180 अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर एक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट बनाई गई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कौन सी पर्टिकुलर कंट्री कितनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देती है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को बॉटम रैंक मिली विद द लीस्ट स्कोर ऑफ 18.9। यानी कि आसान भाषा में बात करूँ तो इंडिया बिकम्स द लीस्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल कंट्री, जहाँ पर किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता, जहाँ पर हायर लेवल ऑफ करप्शन होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इफेक्टिवली काम नहीं करते, इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्लाइमेट पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। और अगर मैं इसी लिस्ट में टॉप स्कोरर कंट्रीज की बात करूं तो डेनमार्क बिकम्स द टॉप स्कोरर, जिसने स्कोर किया 77.9। दूसरे नंबर पर रहा यूके, जिसका स्कोर रहा 77.7, और तीसरे नंबर पर रहा फिनलैंड, जिसने स्कोर किया 76.50। इस रिपोर्ट के हिसाब से जहां इंडिया को बॉटम स्कोर मिला 18.9, वहां पर हमारे यूनियन मिनिस्टर का यह कहना था कि इस रिपोर्ट के अंदर अनफोल्डेड अजम्पशंस को फॉलो किया गया, इस रिपोर्ट के अंदर किसी भी एनालिसिस को एक्सेप्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया, इस रिपोर्ट के अंदर अनसाइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया गया, जिसकी वजह से इंडिया को लीस्ट स्कोर मिला। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।